सलाम, क्या हाल है सबके? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वेलकम माई न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने। और फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ, फजर रेडी है, फजर के दादा भी आ गए नमाज पढ़ के, और बस मैं निकल रही हूँ। इनके बाबा की कॉल आई थी कि बस तुम जल्दी से निकल जाओ, रेडी हो जाओ। मैं कहा बस मैं तैयार होकर बैठी हूँ, जैसे ही दादा आएंगे मैं फ़ौरन निकल जाऊँगी। अब प्यान बस निकलें तो बस ये है कि हम निकल रहे हैं, इनके पापा ऑफिस से निकल जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाबा ने सख्ती से बोला है कि फ़ौरन जल्दी निकल जाओ, 8 बजे उन्हें आना है घर और नमाज वगैरह पढ़नी है उन्हें। तो बस अब हम निकल रहे हैं, फजर भी रेडी हैं। रेडी हो हैं? इधर देखो। हाय गाइस, सलाम अलैकुम। जोर से तुमसे अच्छा तो वफ़ा है, वफ़ा इतना अच्छा कर लेता है सलाम दुआ सब कुछ, आप तो करती नहीं हो। पसीने तोपा, लाइट फिर चली गई है, बहुत बुरा हाल है। चले जनाब, फिर हम आपसे चल के मिलते हैं इनके साथ और इम्तियाज में ग्रॉसरी के साथ, ठीक है? देखते हैं जी इनके बाबा कहाँ हैं, कहाँ वेट कर रहे हैं हमारा। A few moments later. जी तो जनाब, ग्रॉसरी शॉपिंग करके घर आ गई हूँ, ठीक है? टाइम से निकल गई थी घर से और टाइम पर पहुँच भी गई थी। इनके बाबा वहीं पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, कॉल भी आ गई थी बाबा की कि कहाँ हो, कहाँ रह गए। मैं कहा बस हम मिलेनियम पे बस पहुँचने वाले हैं, आप वहीं रहिएगा। तो उन्होंने कहा चलो, मैं अंदर इम्तियाज़ के अंदर हूँ फ्रोज़न आइटम की तरफ, तो ये है कि तुम लोग वहीं आ जाना। मैंने कहा सही है, हम वहीं आ जाएंगे। और हमें ये मिल भी गए थे, हम अंदर गए तो फजर के बाबा हमें मिल गए थे। बस मैं जैसे ही वीडियो बना रही थी, आपने देखा होगा व्लॉग में, तो पीछे से वॉलंटियर वगैरह सब आ गए कि मैम वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। खैर फिर उन्होंने सारा मेरे मूड का ना सत्यानाश कर दिया, सारा मेरा व्लॉग ख़राब कर दिया उन्होंने। और फिर ऐसा है कि मैंने फिर कुछ उनसे ना ज़्यादा तो मैं की नहीं कि क्यों नहीं ये वो। खैर मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा मैम अलाउ नहीं है, तो मैंने कहा ओके ठीक है कोई बात नहीं। मोबाइल बंद करके मैंने फिर रख लिया था अपने बैग में। तो ये सारी सिचुएशन हमारे साथ हुई है, व्लॉग नहीं बना सकी मैं आप लोगों के साथ, नहीं शेयर कर सकी ग्रॉसरी की शॉपिंग। तो अब आप लोगों के साथ हाजिर हूँ, ये आप देख सकते हैं सारा मैं ग्रॉसरी का सामान ले आई हूँ। ग्रॉसरी का सामान ये रखा है मेरे पास, और आपको ये लग रहा होगा कम इसलिए कि ये अभी यहाँ पूरे में फैला हुआ था, पूरे फर्श पे ये मेरा सामान फैला हुआ था सौदा, तो ये मैंने समेटा है। ये मेमे आ रही ना मेमे की ईद, इसलिए तो लाए ऑयल। तो जनाब देखें, ये ऑयल है माशाल्लाह से, ये हमने घी लिया है और इसमें देख सकते हैं आप मसाले वसाले हैं बकरीद के हिसाब से। नीचे सारे इसमें तकरीबन मसाले ही हैं, लाल मिर्च वगैरह सब कुछ, और दालें भी इसी में मौजूद हैं। हाँ वफ़ा हाथ नहीं लगा बेटा, ख़राब हो जाएगा। अच्छा शॉप में सारे मसाले हैं, दालें हैं, ये सब कुछ है। और इसमें वैसा आइटम है जैसे नाश्ते का, दूध पत्ती एवरीडे है, पत्ती है टपाल की, और ये बच्चों के लिए मैगी है। और फिर इसमें है हमारी चीनी, इसमें चीनी है। फिर इसमें ये हमारे बासमती राइस है, सही है। आप क्या कर रहे हो, आप भी बता रहे हो, बताओ।
और इस शॉपर में हाँ माचिस भी है। और फिर इस शॉपर में हमारे शैम्पू, लेमन मैक्स, डिटॉल, विम वगैरह, ये सब सर्फ एक्सेल और ये वाला मैक्स बार, ये सब कुछ है। बेटा 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 खुल जा, और देखा खोल दिया तुमने, देखा गिरा दिया। ये देखिए इन्होंने शैम्पू खोल दिया है और मेरे ख्याल से आधा कर दिया है। अभी खैर मैं ये देखती हूँ। और इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा जो है, हाँ बेटा मैं देख रही हूँ पूरा शैम्पू गिरा दिया। सब्र कर जाओ, सब्र करो। अच्छा इन चीज़ों के अलावा हम, मैं लाई हूँ केवड़ा, केवड़ा लाई हूँ, सोया सॉस है, सिरका है, केचप है, और इसके अलावा तली हुई प्याज है। ये सारे आइटम जो फ्रिज वाले थे वो मैंने तकरीबन फ्रिज में रख दिए हैं। सही है, अभी हमारा थोड़ा सा सौदा रह गया जो मैं इम्तियाज़ से नहीं लेती हूँ। आटा मैं इम्तियाज़ से नहीं लेती, आटा मैं यहीं प्योर चक्की का लेती हूँ, सामने जो पीस रहा होता है वो लेती हूँ। उसके अलावा कुछ किचन टॉवल वगैरह है वो सब मैं ज़रा अपनी तरफ से लेती हूँ, वो मैं इम्तियाज़ से नहीं लेती हूँ। A few moments later. हमारे मियाँ ने अभी मंगाया है लज़ानिया। मुझे बताया भी नहीं, चुपके चुपके ऑर्डर कर दिया इन्होंने। मुझे लग रही थी भूख उस टाइम। यमी यमी सा इस टाइम लज़ानिया आ गया है और बाबा ने मंगाया है इनके लज़ानिया। उस टाइम लग रही थी बहुत शदीद वाली भूख। बजे क्या खा रही हो? लज़ानिया। अपने बाल तो देखो, सोने का टाइम हो रहा है तो इस टाइम हो रही भी ऐसे हो रहे हैं। बेटा मैं लेके तो आई थी चार मोरा मोरा बेटा शॉपर पे रखा है वफा। बहुत हर्ट हो रहा है, दिखाओ जरा। नहीं कहीं नहीं हो रहा। आज उनका है बहुत मजे का, वही क्या नाम है, डे नाइट, डे नाइट वालों का पिज्जा भी और लज़ानिया भी। क्या खा रहे हो? हैं? क्या? लज़ानिया। जोर से तो बोलो। लज़ानिया। हाँ सही बोला है। लज़ानिया। खाओ। सुने मजा आ गया। मेरा फेवरेट लज़ानिया, मेरा फेवरेट। खा लो, मजे का है, मजे का है। फिर खाओ भी बेटा, सिर्फ बोटी नहीं इसके, ये भी खाओ, लज़ानिया भी खाओ बेटा। मजा आ गया। मजे का है ना? आज वो मजे का चटपटा सा यम्मी से उन्होंने बना के भेजा है। केचप इसमें डालते हैं। इसमें डाला हुआ है मैंने। रात के बज रहे हैं इस टाइम कितने?
कितने बज रहे हैं भाई, क्या टाइम हो रहा है? दो दो बज रहे हैं, रात के दो बज रहे हैं, और इस टाइम रात के दो बजे हमारे घर में चल रहा है लज़ानिया। बस लज़ानिया खाएंगे, सो जाएंगे, फिर शब्बा खाई कर देंगे, फिर अपने व्लॉग एंड करेंगे, फिर बाबा बोलेंगे इनको, फिर शब्बा खैर। जनाब बहुत रात हो गई है, खाना पीना तो चलता रहेगा, अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कुछ कहना है? बहुत स्पाइसी दिया है आज, बड़े मज़े का है, बड़े मज़े का है। बच्चे अभी माशाल्लाह खा रहे बच्चे ये माशाल्लाह लगे हैं खाने में। चलें हैं, अच्छा है ना, मजे का। चलें जी, हमें दीजिए इजाज़त, कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।